नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल गवर्नमेंट एग्जाम स्टडी में। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं यूपीपीएससी आरओएआरओ, जिसका कि नोटिफिकेशन अभी जारी नहीं हुआ है, लेकिन आप सभी को पता है कि जल्द ही जारी हो जाएगा। उसके लिए आपको पता है मेरे चैनल पर एक वीडियो भी पड़ी हुई है अवधेश कुमार गुप्ता सर जी की, जो खुद इस समय सचिवालय में समीक्षा अधिकारी के पद पर कार्यरत हैं। और अभी थोड़े दिन पहले उन्होंने आपसे साथ लाइव वार्ता भी की थी, आप लोगों के काफ़ी डाउट्स क्लियर किए थे। तो आपने अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा। और आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं दोस्तों सामान्य हिंदी की। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि हम लोग आर ओ आर ओ की तैयारी करेंगे, लेकिन एक स्ट्रैटेजी के तहत करेंगे। वो स्ट्रैटेजी क्या होगी दोस्तों, कि पहले हम लोग हिंदी के पोर्शन को कवर करेंगे, क्योंकि यहाँ से 60 नंबर स्कोर करना जीएस के नंबर से स्कोर करने से ज़्यादा आसान होता है। थोड़ी सी मेहनत आप करोगे तो यहाँ पर आपके नंबर कन्फर्म हो जाएंगे। कुछ बुक्स के साथ हम लोग उन चीज़ों को कवर करेंगे, तो डेफिनेटली आपके आराम से कितने आ जाएंगे, 60 में से 58 या 59 आप आराम से लेकर आ पाओगे। हिंदी का जो पोर्शन है आपको ये पता होगा कि 60 अंकों का आने वाला है। और सबसे अच्छी बात जो है वो ये है यहाँ पे कि ये जो 6 टॉपिक मैंने लिखे हैं सबका इक्वल वेटेज है, यानी कि विलोम आपका 10 अंकों का आएगा, 10 क्वेश्चन। तद्भव तत्सम भी आपके 10 अंकों के आते हैं, 10 क्वेश्चन। पर्यायवाची आपका 10 अंकों का, 10 क्वेश्चन। शुद्ध अशुद्ध आपके 10 अंकों के, 10 क्वेश्चन। वाक्यांश आपके 10 अंकों के, 10 क्वेश्चंस। और विशेषण और विशेष भी आपका ऐसे ही 10 क्वेश्चंस आएंगे 10 अंकों के, यानी कि हर क्वेश्चंस आपका एक अंक का है। इसमें से अगर मैं आपसे पूछूं कि आप बताइए सबसे आसान कौन सा टॉपिक लगता है, तो भाई मुझे तो सबसे आसान कौन सा टॉपिक लगता है, शुद्ध अशुद्ध। क्यों आसान लगता है? एक तो हम सभी लोग हिंदी क्षेत्र के निवासी हैं, तो हमें हिंदी में लगता है कि शुद्ध अशुद्ध हम आराम से फाइंड आउट कर लेंगे। और इसी चक्कर में क्या होता है, इस टॉपिक में हम कम फोकस करके जाते हैं और एग्जाम में जाके कुछ सिली मिस्टेक्स होती हैं जो शायद हम हमेशा गलती में बोलते रहते हैं, उनको करके आ जाते हैं। हो सकता है आप लोग ना भी करके आते हो, लेकिन मैं यहाँ पर आज इसी टॉपिक को पहले उठाऊंगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि दोस्तों जो आसान चीज़ है उनको ज़्यादा अच्छे से करके एग्जाम में जाया जाए। देखिए जो टफ है वो तो करना हर किसी के थोड़ा डिफिकल्ट होता है, लेकिन जो आसान है उसको अगर हम करके जाएंगे तो हमारे 10 नंबर डेफिनेटली हमें कंफर्म हो जाएंगे कि शुद्ध अशुद्ध का एक भी क्वेश्चन आएगा हम गलत नहीं करेंगे। क्या चीज़ें होती, कैसे होती, चलिए दोस्तों शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे अगर तो क्या करेंगे, मैंने बताया आपको सबसे पहले हम लोग आज बात करेंगे दोस्तों यहाँ पर शुद्ध अशुद्ध की। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पे नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मेरी पूरी वीडियो देखने के बाद ही चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर आपको समझ में आए तो प्लीज़ वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी जरूर करिएगा, जिससे कि मुझे और मोटिवेशन मिले और मैं इस तरह की और वीडियो आपके लिए लेकर आती रहूँ। आज हम लोग बात करेंगे दोस्तों किसकी, शुद्ध अशुद्ध की। क्या बात करने जा रही हूँ, देखिए दोस्तों शुद्ध अशुद्ध में आपको पता है वाक्य कितने भी दिए रहते हैं और वर्तनी भी सीधी सीधी आती है, दोनों टाइप के क्वेश्चंस आपके इसमें आते हैं, ठीक है। लेकिन वाक्य में भी कई बार क्या होता है, वर्तनी की मिस्टेक होती है, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि वर्तनी गलत है या फिर पूरा सेंटेंस ही गलत है। जैसे मैं एक उदाहरण के तौर पर आपको देती हूँ, उसने, पहला उदाहरण है उसने अपनी कमाई का, उसने अपनी कमाई का अधिकांश भाग, उसने अपनी कमाई का अधिकांश भाग गंवा दिया, उसने अपनी कमाई का अधिकांश भाग गंवा दिया। ऐसे ही आपके पास दो तीन और होंगे ऑप्शन, वह अपनी कमाई का अधिकांश भाग गंवा बैठा, उसने अपनी कमाई का अधिकांश गंवा दिया। तो यहां क्या होगा दोस्तों, भाग का यूज नहीं होता है, कभी भी अधिकांश हो। अधिकांश का मतलब ही क्या हुआ, अधिक अंश मिल जाना, अंश का मतलब क्या होता है, भाग। अधिकांश हो कहीं लिखा तो उसके साथ भाग नहीं यूज करोगे, वो आपका क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। लेकिन अगर पढ़ने में आप सेंटेंस देखो, उसने अपनी कमाई का अधिकांश भाग गंवा दिया तो सही लग रहा है, वह अपनी कमाई का अधिकांश भाग गंवा बैठा तो सही लग रहा है। लेकिन क्योंकि हम लोग बोलते भी हैं, अरे उसने अपना अधिकांश भाग अपने भाई को दे दिया, अधिकांश के साथ भाग कभी नहीं यूज होगा, ये चीज एकदम दिमाग में बैठा लीजिए। देखिए दोस्तों मैंने जो सोचा है, शुद्ध अशुद्ध के एक दो क्लासेस हम लोग करेंगे, उसके बाद हम इसके पूरे प्रैक्टिस सेट करेंगे जिसमें सिर्फ और सिर्फ शुद्ध अशुद्ध होगा, ठीक है। हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अधिकांश के साथ समझ में आ गया आपको, भाग का प्रयोग गलत होगा, ठीक। दूसरा मैं आपसे पूछती हूं, बहुत ही आसान सा है, शरद शरद कालीन दिनों में, शरद कालीन दिनों में चंद्रमा की शोभा देखने योग्य है, देखने योग्य होती है। शरदकालीन दिनों में
चंद्रमा की शोभा देखने योग्य होती है, या फिर मैंने आपसे कहा शरद काल के दिनों में, शरदकालीन दिनों में, या फिर मैंने कहा शरद काल के दिनों में चंद्रमा की शोभा देखने योग्य है, इनमें से कौन सा सही है? पहला वाला सही है या फिर दूसरा वाला सही है? दूसरा भी लिख देती हूँ, शरद काल के दिनों में चंद्रमा की शोभा देखने योग्य होती है। बताइए इसमें कौन सा सही है, आप क्या बताओगे? इन दोनों को देखकर, आप दोनों को देखकर बताओगे कि दोनों ही गलत है। शरदकालीन लिखा है, शरदकाल लिखा है, तो वहां दिनों की जरूरत नहीं है। जैसे कि मैंने कहा मैं प्रातः काल के समय दौड़ पे गया, या मैं प्रातः काल के समय उठा, तो प्रातः काल तो ऑब्वियस सी बात है वो समय डिफाइन कर रहा है, तो उसके साथ क्या नहीं यूज होगा, समय का प्रयोग नहीं होगा। ठीक उसी तरह से यहाँ पे क्या होगा, शरदकालीन या शरद काल में चंद्रमा की शोभा देखने योग्य होती है। इसके साथ दिनों का यूज क्या है, गलत है। समझ में आ रही है आपको बात? देखिए एग्जाम में सब सारे क्वेश्चन जो मैं आपको करा रही हूँ सब एग्जाम के पूछे हुए क्वेश्चन है, और ये सब जब आते हैं ना तो हम लोग जनरली कंफ्यूज हो जाते हैं। हमको इसी कंफ्यूजन से बचना है, जिससे कि हमारे शुद्ध अशुद्ध में दोस्तों पूरे 10 का 10 का टारगेट लेके चलना है। देखिए शुद्ध अशुद्ध आसान टॉपिक है, 10 में 10 आप सबको इसमें लाने हैं, ठीक है? तो शुद्ध अशुद्ध का ये दोनों आपको समझ में आ गया। तीसरा मैं बेहद आसान, वो भी आपसे पूछूंगी, काफी में से काफी लोगों को वो आता होगा, जिनको नहीं आता है उनको अभी आ जाएगा। मैं आपसे पूछूंगी, एक ऑप्शन दिया है दही खट्टी है, दही खट्टी है, दूसरा लिखा है दही खट्टा है, तो बताइए इसमें से कौन सा सही है, ये वाला सही है या फिर ये वाला सही है? तो कौन सा सही होता है? यहाँ देखिए दोस्तों अपवाद होता है, बोलने में तो आपको लग रहा है कि दही खट्टी है सही है, लेकिन ये गलत होता है। शुद्ध क्या होता है? दही खट्टा है, ये आपका एक अपवाद होता है, ठीक है? दही हमेशा क्या होगा? दही हमेशा खट्टा होता है। कि कई बार एग्जाम में आप देखते होंगे ना, जब 3-4 आते हैं ऑप्शन, इसमें से शुद्ध कौन सा है, तो दही खट्टा है लोगों को हमेशा ये गलत लगता है, जबकि ये सही होता है, दही खट्टा है, ठीक है? दही खट्टी है नहीं होता, दही हमेशा क्या होता है, खट्टा है होता है। तो कोई बोलता है ना कई बार लोग दही खट्टा है, तो बोलते हैं कैसे गलत बोल रहे हो, दही खट्टी है कि दही खट्टा है? तो दही क्या होगा हमेशा, दही खट्टा है होगा, ठीक है? समझ में आप लोगों को आ रहा होगा अच्छे से। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन हमारा, यह आपकी अनाधिकार चेष्टा है, यह आपकी अनाधिकार चेष्टा है, क्या होगा इसे बताइए, कौन सा रॉन्ग है, ये सही है या फिर गलत है, आप बताइए। तो ये क्या है दोस्तों, ये भी आपका गलत है। क्यों गलत है? वर्तनी यहाँ पे गलत है, ये वर्तनी गलत है। अनाधिकार नहीं होता, अनधिकार होता है, बड़े आ की मात्रा नहीं होती है। यह आपकी अनधिकार चेष्टा है, यह आपकी अनधिकार चेष्टा है। अनधिकार होता बड़ा नहीं होता है, सिंगल होता है, ठीक है? अनधिकार, अनाधिकार नहीं होता है, लेकिन ज्यादातर लोग अनाधिकार ही बोलते हैं। मतलब मैं भी शायद यही बोलती थी, अभी मुझे पता चल चुका है तो मैं नहीं बोल रही, अनाधिकार ही लगता है कि सही होता है। अनधिकार चेष्टा है, यह आपकी अनधिकार चेष्टा है। अगर प्लीज आप लोगों को क्लास अच्छी लगेगी तो जरूर लाइक करिएगा इस वीडियो को, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा कि एक मैम है कुछ इनिशिएटिव ले रही है, तो क्यों ना उससे जुड़ा जाएगा। आप लोगों को पसंद आएगी ये वीडियो, तो मैंने जो आपको बताया ना, मैं इसी तरह की एक और वीडियो लाऊंगी, फिर हम लोग 2-3 दिन अपने प्रैक्टिस सेट करेंगे इसी टॉपिक पे बेस्ड, जब तक कि कॉन्फिडेंट ना हो जाए कि जितने क्वेश्चन बनने थे हम लोग बना चुके और 10 नंबर हमारे वर्तनी वाले पोर्शन से, शुद्ध अशुद्ध वाले पोर्शन से सही हो चुके हैं, ठीक है? नेक्स्ट देख लीजिए, आपसे क्वेश्चन अगर पूछा जाए, श्री राम 14 वर्ष के बाद वन से वापस लौटे, तो ये क्या सही है या फिर गलत है, बताइए। श्री राम 14 वर्ष के बाद वन से वापस लौटे, या फिर आपके पास लिखा हो श्री राम 14 वर्ष के वनवास के बाद वन से वापस लौटे, तो क्या होगा, ये सही होगा कि गलत होगा, ये बताइए मुझे। ये गलत होगा, वनवास के बाद वन से वापस लौटे या फिर सीधे वापस लौटे, ये गलत होगा। क्यों? वापस और लौटे एक साथ नहीं होगा, ठीक है? वन से क्या हुआ, लौटे, वापस नहीं यहाँ यूज होगा। देखिए समझिए इस बात को कि यहाँ पे डबल डबल, हिंदी में डबल डबल चीजें नहीं लिखनी है, हिंदी में क्या इंग्लिश में भी डबल चीजें नहीं लिखी जाती हैं। श्री राम 14 वर्ष के बाद वन से लौटे,
वापस लौटे की कोई बात ही नहीं होगी, है ना। तो लौटे के साथ वापस नहीं यूज होगा। देखिए यही सब चीजें होती हैं। हम मतलब मैं भी एक नॉर्मल अगर या कहीं से भी आप पूछोगे इसमें एरर बताओ, श्री राम 14 वर्ष के बाद वन से वापस लौटे, तो वापस ये पढ़ने में एकदम सही लगता है और इंसान को लगता है कि ये सही है, लेकिन क्या होता है ये गलत होता है। लौटे के साथ आप वापस नहीं यूज करोगे, ठीक है। श्री राम 14 वर्ष के बाद वन से लौटे, ठीक। आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं। मेरे घर के पास एक पान की दुकान है। मेरे घर के पास एक पान की दुकान है, क्या ये सही है कि गलत है। हम लोग कई बार बताते हैं ना लोगों को, अपना घर पूछते तुम्हारा घर कहाँ, तो बोलते ना अरे घर आओगे घर के पास एक पान की दुकान मिल जाएगी, घर चले आना। तो मेरे घर के पास एक पान की दुकान है सही है, या फिर मेरे घर के पास एक पान की दुकान स्थित है। मेरे घर के पास एक पान की दुकान स्थित है, कौन सा सही होगा, ऊपर वाला या फिर नीचे वाला, बताइए कौन सा सही है। मेरे घर के पास एक पान की दुकान है, मेरे घर के पास एक पान की दुकान स्थित है, कौन सा सही है। दोनों गलत है। क्यों? क्योंकि मेरे घर के पास एक पान की दुकान नहीं होती, जिसका दुकान होगी पान की उसके पास एक होगा क्या, नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा मेरे घर के पास पान की एक दुकान स्थित है। मेरे घर के पास पान की एक दुकान स्थित है, ये सही होगा क्योंकि पान की एक दुकान है। लेकिन ज्यादातर देखिए मैं भी यही बोलती हूँ, अब अभी मुझे पता भी है कि ये होता, लेकिन फिर भी मैं किसी को बताती हूँ तो यही बताती हूँ, अरे वहां पे एक पान की दुकान है उसी के पास आ जाना। ये बहुत कम लोग बोलते हैं कि पान की एक दुकान है, मेरे घर के पास पान की एक दुकान है, नहीं बोलते मेरे घर के पास एक पान की दुकान है। एक नहीं होगा कभी दुकान आपके, पान की एक नहीं होती, ठीक है, एक तो नहीं होगा। तो ये एक कहाँ होगा, मेरे घर के पास पान की एक दुकान स्थित है, ये आपका बिल्कुल सही होगा। समझ में आ रहा हो तो बार बार बोल रहे, प्लीज मोटिवेट करने के लिए आप इस वीडियो को लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने जितने दोस्त होंगे कि सब दिखे यहाँ पे, चीजें आपको फ्री ही मिलने वाली है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी ये क्लास। आगे देख लेते हैं, ये सब समझ में आ रहा होगा सारी चीजें, कहाँ किसके साथ क्या लगना है, वापस लगना है कि नहीं लगना है। आगे मैं आपसे पूछती हूं, एक और पूछ लेती हूं। वह पतिव्रता स्त्री है, वह पतिव्रता स्त्री है, यह सही है कि गलत है, बताइए। वह पतिव्रता स्त्री है, सही है कि गलत है, तो यह क्या है दोस्तों, गलत है। पतिव्रता के साथ स्त्री लगाने की जरूरत नहीं है, क्या होगा सही, वह पतिव्रता है। पतिव्रता का मतलब ही क्या हो गया कि वो स्त्री की बात हो रही है, तो स्त्री का प्रयोग यहाँ पे क्या है, जरूरत नहीं है, ये गलत है, ठीक है। वह पतिव्रता है, वह पतिव्रता स्त्री की जरूरत नहीं है, वह पतिव्रता है। आगे देख लेते हैं हम लोग, नेक्स्ट देख लेते हैं। वह विलाप करके रोने लगी, ये सही है कि गलत है, बताइए, ये सही है कि गलत है। वह विलाप करके रोने लगी, ये सही है कि गलत है, तो क्या है ये भी आपका गलत है। वह विलाप करके रोने लगी, तो विलाप का मतलब भी दुखी हुआ, दुखी होकर रोना, और रोने का मतलब भी, तो क्या करोगे आप, सिर्फ आप लिखोगे वह विलाप करने लगी, है ना, वह विलाप करने लगी। विलाप का मतलब क्या होता है, दुखी होकर रोना ही तो होता है, तो बस आप क्या करोगे, वह विलाप करने लगी, वह विलाप करके रोने लगी, गलत हो जाएगा। समझ में आ रहा होगा आप लोगों को किस चीज के साथ मैं क्या नहीं लगा रही और क्यों नहीं लगा रही हूं, डबल डबल एक चीज लिखने का कोई सेंस नहीं बनता है, ठीक। आगे देख लीजिए, आपके पास है, आगे देख लीजिए, नेक्स्ट देख लीजिए। यह कविता अनेकों भावों को प्रकट करती है, यह कविता अनेकों भावों को प्रकट करती है, ये सही है कि गलत है, बताइए। यह कविता अनेकों भावों को प्रकट करती है, तो ये आपका गलत है। क्यों? अनेकों कभी नहीं यूज होता, किसी भी जगह अनेकों लिखा हो, और कई बार कहते हैं ना अनेकों बार मैंने ये देखा है, अनेकों बार ऐसा हुआ है, अनेक बार होता है, अनेकों कुछ नहीं होता है, जहां भी अनेकों आ जाए सीधे उसको गलत बता देना, ठीक है। यह कविता अनेक भावों को प्रकट करती है, ठीक है, अनेक अपने आप ही बहुवचन है, अनेक के साथ आपको कभी अनेकों नहीं लगाना है,
एक का बहुवचन अनेक हो गया, अनेकों भावों को प्रकट करती है। मैंने अनेकों बार तुम्हारे मुंह से यह बात सुनी, सब गलत है। मैंने अनेक बार तुम्हारे मुंह से यह बात सुनी, ठीक है। अब आप मेरे चैनल को किसी को बार बार बताइए तो वो यही बोलेगा तुमने अनेकों बार इस चैनल का नाम बता दिया, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि नहीं भाई, मैंने अनेक बार तुम्हें बताया है, ठीक है। अनेकों हमेशा गलत है, जहां भी अनेकों लिखेगा वहां आपका क्या है, गलत हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, इस समय मेरी आयु 20 वर्ष है। तो ये देखिए दोस्तों, सही है गलत है, ये भी गलत है। इस समय मेरी उम्र या अवस्था, आप आयु की जगह लिखोगे उम्र या अवस्था, ठीक है। आयु क्यों नहीं, आयु आपके पूरे जीवन का काल होता है। आयु मतलब पूरी आपकी उम्र जो होती है, पूरा जीवन का काल होता है, उसको बताते हैं आयु। उसकी आयु इतनी थी, आयु 80 वर्ष की आयु में वो चल बसा, तो ये पूरी उसकी जीवन की लाइफ होती है, ठीक है। अगर आपको अपनी एज बतानी है तो आप आयु नहीं बताओगे। इस समय मेरी उम्र 20 वर्ष है, इस समय मेरी अवस्था 20 वर्ष है, ठीक है। आयु नहीं लिखोगे, आयु गलत होता है, ठीक है। किसी को भी अपनी आयु बतानी हो, उम्र बतानी हो, तो आप क्या लिखोगे, उम्र लिखोगे। इस समय मेरी उम्र 20 वर्ष है, ठीक है, आयु नहीं लिखोगे वहां पर। समझ में आ गया। कुछ इंपॉर्टेंट छोटे छोटे पॉइंट्स हैं आपके जो मैंने बता दिए। अगर आपको पसंद आएगा, चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करेंगे और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी करेंगे, ठीक है। फिर हम लोग कल ऐसी वीडियो लेकर आएंगे, ऐसी 2-3 वीडियो छोटी छोटी लेकर आएंगे, उसके बाद प्रैक्टिस सेट हम लोग करेंगे, ठीक है। दोस्तों चैनल पर नए होंगे, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं, साथ ही साथ आप टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा। धन्यवाद।